ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज सुबह 3 बजे के आसपास मुमरा बाईपास सैनिक नगर आरके चौल में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन हो गई, जिसमें एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हादसे में किसी भी तरह की कोई जानी नुकसान नहीं हुई है। जिस मकान पर भूस्खलन हुआ है उस मकान में कोई रहता नहीं था। आपको बता दें कि मुमरा बाईपास से बिल्कुल सटकर आरके चौल पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। करीब 7 से 8 साल पहले भी इस आरके चौल में इसी तरह हादसा हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी और इसी तरह फिर हादसा हुआ है। आरके चौल में 22 मकान हैं जिसमें 12 परिवार रहते हैं, मगर आज हादसे के बाद मनपा के अतिक्रमण विभाग के जितेंद्र सावले ने इस चौल को खाली करा दिया है। ग्राउंड प्लस वन की ये चौल जर्जर हो चुकी है। तो वहीं भूस्खलन की होने की वजह से भी बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल आरके चौल को खाली करा दिया गया है। नगर सेवक शाह आलम ने क्या बताया है। ये सुबह रात में 3 और 4 के बीच में यह हादसा हुआ, तो सुबह में 8:30-9 बजे यादव जी हैं ये ऊपर ही रहते और नीचे जो रूम के गिरा ये इन्हीं का रूम था, तो मेरे पास आए भाग्य की शालम भाई ऐसे मट्टी ढसल गई। तो मैं तुरंत अधिकारी को अपने साबले साहब को फ़ोन मारा, आयरे साहब को फ़ोन मारा, साबले साहब भी 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए स्पॉट के ऊपर, और जितने रूम थे 10-1 रूम इसमें रह रहे थे लोग, उनको हमने खाली कराने का आदेश दे के खाली कराना चालू कर दिया काम। नहीं नहीं कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, बस जो मछली ढसली वो जो रूम पे गिरी भी है वो रूम भी जमाने से बंद पड़ा हुआ था, और आजू बाजू में जो 1-2 रूम रहते थे उनको भी मैंने खाली करवा दिया हूँ। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और भूस्खलन होने की वजह से मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। फिलहाल चौल जर्जर हो चुका है और मनपा ने इसे खाली कराने के बाद इसे तोड़ने का काम भी शुरू कर दिया है। जो परिवार इसमें रहते थे उन्हें पास के ही एक चौल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।